सो हेलो एवरीवन, दिस इज लोकेश एज यू ऑल नो। तो आज मैं आया हूँ पीएल हुंडई पे जो रामबाग पे अभी जो नया खुला है। और विजय सर ने मेरे को बुलाया था कि आज नई गाड़ी आई हुई है सेंट्रो, तो क्यों ना आप इसका ब्लॉग बनाओ यहाँ पे आके। आई नो थोड़ा सा ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, बाहर खड़ी है गाड़ी और अभी अंदर टेस्ट राइड से होके आई है। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसके फीचर। क्योंकि पुरानी वाली सेंट्रो के जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी 1998 के अंदर, हुंडई ने सेंट्रो के साथ ही एंट्री मारी थी इंडिया के अंदर, और उसके बाद से काफ़ी डिमांड में रही थी सेंट्रो। कई लोगों ने 2007 2008 तक खरीदी थी, और 2009 के अंदर हुंडई ने अपनी जो पुरानी वाली सेंट्रो थी वो टॉप मॉडल उसका था जिंग, उसके साथ से उन्होंने कर दिया था उसको डिसकंटिन्यू, और उसका प्राइस अराउंड 5 लाख समथिंग था। और उस टाइम पे पेट्रोल ही एक वर्जन निकाला था जो काफ़ी डिमांड में रहा था। तो क्यों ना हुंडई ने सोचा होगा कि अब वापस रीलॉन्च करते हैं सेंट्रो को, और सेंट्रो के साथ अभी बहुत सारे कलर्स में आई है। पहले आई गई ब्लैक, वाइट और रेड, ऐसे कुछ कलर्स में थी। और जो इसका प्लांट है वो है चेन्नई के अंदर, तो वहीं पे सारी गाड़ियाँ बन रही है। तो देखते हैं, अभी इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ कौन से कलर्स हैं आपको अवेलेबल होंगे इस दिवाली पे। ऑफ न्यू सेंट्रो 2018, सो ये हो गया अनलॉक। तो अपन अब बात कर 2018 की, तो इसका एक ही वाला कलर है ब्लू और एक ही वाला कलर है सिल्वर। तो थोड़ा सा मेरे को सिमिलर से लगा, हल्का सा थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, अदरवाइज जो डिज़ाइन दिया गया है जैसे i20 का है इलाइट का, और ये यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया है थोड़ा सा ग्रिल का फ़र्क है, बाकी जो लाइट्स की जो बहुत सेक्सी बनाई गई है आगे से। और जो इसके अंदर कलर्स आए हैं वो है ग्रे, रेड, ब्लू, वाइट और डे नाइट ग्रे एंड सिल्वर एंड ग्रीन। अब ग्रीन देखो कैसा रहता है, दी गई है यहाँ पे कुछ ऐसे फिनिशिंग सी, थोड़ा सा एक डिज़ाइन दिया गया है, वो डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है वो सेम यहीं पे दिया गया है। और इसके जो साइड मिरर्स हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे इंडिकेटर्स। वॉक अराउंड देने वाला हूँ वो है सेंट्रो स्पोर्ट्स मॉडल। और तो ये पीछे का इसके बैक लाइट है, और ये इसके अगर साइज़ की बात करता हूँ मैं तो वो है 14 इंचेस और 65 mm, और टायर का साइज़ जो दिया 70R14, और इसके अंदर होंगे MRF के टायर। और रही बात इस व्हील कैप की, तो ये व्हील कैप इजीली बाहर नहीं आते हैं, जब तक आप इनको स्क्रू को नहीं खोलोगे टिल द टाइम ये बाहर नहीं आएंगे। कई बार जो पुरानी गाड़ियों में देखा होगा आपने कि व्हील कैप अलग से भाग जाते हैं सारे। तो अभी मैं इस गाड़ी का पहले आपको दूर से थोड़ा लुक दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है ये। तो ये देखो आप। तो अब बात करते हैं इसके आगे हेडलाइट की, तो ये है इसकी हेडलाइट और ये है इसके फॉग लैंप, और ये ग्रिल है यहाँ पे, और ये इसके अंदर का डिपार्टमेंट जो पूरा आता है एज़ यूजुअल। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, कई लोगों को ऐसा लगता होगा ग्राउंड क्लियरेंस पे टूट जाएगा, तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो जब भी अगर कुछ चीज़ टच होगी या कुछ भी होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे टच होगा नहीं, पूरा पीछे की तरफ चला जाएगा। अपन इसका खोलते हैं हुड और फिर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो भैया हुड खोलना एक बार। तो कलर काफ़ी प्रीमियम है, और जो ये वाली गाड़ी है वो ऑटोमेटेड मैनुअल है, उसके अंदर जो सब लोगों को पता होगा मैनुअल गाड़ी क्या होती है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक्साइड की बैटरी और बाकी सारी चीज़ें वही जो ब्रेक ऑयल का है, और ये MPI जो ये 1100 cc 1.1 इंजन है इसका। और इकोनॉमी एवरेज क्या दे रही है भैया अभी लोगों को, क्या आप क्लेम कर रहे हैं एवरेज? सर कंपनी क्लेम कर रही है इसकी 21 का सिटी, 21 सिटी, और एक्चुअल में जो इसका निकल के आ रहा है वो 19 का निकल के आ रहा है। 19, दैट्स गुड यार। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और गाड़ी गर्म होगी उतनी ज़्यादा ठंडी भी होगी। ओके, सबसे बढ़िया क्या है इसके एसी के लिए को कोटिंग की टेक्नोलॉजी दी हुई है, जैसे वरना क्रेटा के अंदर आती है सेगमेंट की गाड़ियों में, इसमें जितने भी गंदे एरिया में अपन जाएंगे वो एयर बिल्कुल फिल्टर होके एयर स्कैन होके आएगी अंदर। तो ये इसके हैं डोर हैंडल्स, तो ये इजीली आराम से आप देख सकते हो गेट की फिनिशिंग क्या प्यारी लग रही है, और यहीं पे आप इसको डोर खोलने के लिए ऐसे पूरा ग्रिप मिल जाएगी आपको। तो अब मेरी हाइट जो है वो है 5'8" मीन्स 172 cm। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, देखते हैं। नाइस भैया, थैंक, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ऊपर होना चाहिए, ये स्टेयरिंग ऊपर नहीं होता, फिक्स है। तो अपन इसको अपन एडजस्ट नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, बस तो मेरे को थोड़ा सा एक ये लगा कि थोड़ा डाउन है, अदरवाइज तो बाकी सब ठीक है। और रही बात इसके सिस्टम की, तो ये वाला टच स्क्रीन है, तो मैं अभी चाबी लगा के दिखाता हूँ।
मिली गए आखिर यार तरुण भाई, तरुण शर्मा ना यार, इतने दिन से अपन ट्राई कर रहे थे। तो ये है तरुण भाई, तरुण शर्मा राइट। तो अभी मैं गाड़ी रिव्यू कर रहा था, आप टोयोटा में हो आप? सही है, तो भाई टोयोटा में काम करते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए दिवाली वाली पे तो मिलना तरुण सर। देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है। तो अभी गाड़ी न्यूट्रल में है और बाकी सारी साइन जो एज यूजुअल करके अपन मीटर पे देख सकते हैं कि कितना गाड़ी किलोमीटर चली और कितने घंटे में कितनी किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है, कितना एवरेज दे रही है। और यहाँ से आप एयरबैग मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सिंगल साइड में ड्राइवर साइड में एक ही एयरबैग मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एयरबैग नहीं मिलता है। और यहीं से आपका वॉल्यूम कंट्रोल सारा मिल जाएगा, म्यूट करने का मोड्स मिल जाएंगे और कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल पिक करने के लिए, जो भी आप नेविगेशन के लिए जाते हैं तो वॉइस कमांड पे यूज़ करते हैं तो उसका माइक ये यहाँ पे मिलेगा आपको। और ये वॉइस कमांड का जो बटन है वो यहाँ पे है। और ये हेडलैम्प सिस्टम का पूरा है, यहाँ से आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो, वाइपर चालू कर सकते हो, सारी चीज़ें। और ये है इसका एसी का वेंट, इट सीम्स लाइक है थोड़ा सा मर्सिडीज जैसा फील आ रहा मेरे को। सही बोल रहा हूँ क्या भैया मैं? 7 इंच की स्क्रीन है और ये पूरा टच है। ओके, तो अभी स्टार्ट करो, बता सकते हो इसके बारे में क्या क्या है इसमें? इसके ऊपर अपना FM कंट्रोल लेड है। ओके, पूरा इसके अंदर अपनी टच स्क्रीन पूरा है। इसके ऊपर आप एप्पल कारप्ले के पास मोड से चेंज हो जाएगा। ये यहाँ से मैंने मोड चेंज किया तो ये गाना चेंज, मोड चेंज गाना चेंज, मोड चेंज गाना चेंज। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उस आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट करके और पीछे से भी इसको सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो और आराम से वॉल्यूम जो सारा आप पूरे तरीके से इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो अब बात करते हैं इसके एसी वेंट की। एसी वेंट है इसका यहाँ पे है और ये वाला जो एसी वेंट है मुझे तो थोड़ा सा मर्सिडीज जैसा फील दे रहा है। और इसका एक एसी वेंट यहाँ पे भी है पीछे वालों के लिए, अगर कोई पीछे रियर में बैठा है तो आप आराम से उसको भी हवा दे सकते हो बढ़िया। जो एक और चीज़ है, इसके जो डोर है, जो पावर विंडो के जो बटन्स हैं वो आपको गेट पे नहीं मिलेंगे, डोर पे नहीं मिलेंगे, वो आपको सारा कंट्रोल यहीं से होगा, यहीं से आपके सारी रियर के और फ्रंट का ये हो रहा, और ये वाला फ्रंट का, ये वाला रियर का, और ये वाला शायद चाइल्ड लॉक होगा। ये एडजस्ट हो रहा है तो आप इससे एडजस्ट कर लो, राइट पे भी ले जा सकते हैं। और ये वाला लेवल अप, हाँ हाँ, आप स्वच्छ भारत का इरादा यहाँ पे लिखा भी है, स्वच्छ कैन, सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अच्छी बात है, इसमें आप क्या गाड़ी में कोई गंदगी गंदगी ना हो। अगर आपको कोई छोटी मोटी चीज़ खानी है तो आप इसके अंदर अपना रैपर इसमें डाल सकते हो। ये इसका हैंड ब्रेक है पूरा। और यहाँ पे आपको मिलता है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आप अपनी सारी ये देख सकते हो कितना इसका यहाँ पे अपने पे, तो अगर अपन गाड़ी चला रहे हैं तो ये इधर उधर आराम से एक जगह स्टेबल रहेगा, स्मूथ रहेगा। तो ये थी अभी तक की इस गाड़ी के आगे वाली बात। अब मैं पीछे के स्पेस के बारे में बताता हूँ कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग स्पेस कितना है, और मैं आपको बूट स्पेस के बारे में भी बताता हूँ, फिर इन द एंड मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस बताऊँगा जो वेरिएंट के हिसाब से है, मैं उस हिसाब से आपको प्राइस बताऊंगा कि किस प्राइस में आपको क्या क्या कौन सी गाड़ी मिलेगी और बेस मॉडल कौन सा है, टॉप मॉडल कौन सा है और बीच का मॉडल कौन सा है। और तो अपन यहाँ से ऐसे गेट खोलते हैं इसका, जो काफ़ी इसका जो म्यूजिक सिस्टम है उसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है। सीट के बारे में बात, तो पीछे वाली सीट में बैठते हैं अपन आराम से। तो मेरी हाइट आपको बताई थी मैंने, मेरी हाइट है 5'8". मैं मेरी डिज़ायर में पीछे बैठता हूँ तो मैं इतना कम्फर्टेबल नहीं रहता हूँ, थोड़ा तो कम्फर्टेबल दिया गया है इस गाड़ी को तो जिससे कि पीछे को आराम से तीन बंदे आराम से बैठ सके। बस आप इसमें सीट में एक चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आपके जो इसका जो हेडरेस्ट है ये नहीं हटा सकते हो। और अब मैं बात करता हूँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर पूरा रूम स्पेस दिया गया है वो, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग देख लो मेरा सर अभी इतना, सर से इतना अभी ऊपर है ये वाली सारी, मैं बिल्कुल टच नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी ऊपर, कि आप इसको पावर विंडो यहाँ से बंद करके वापस ऊपर चढ़ा सका। तो कहीं पर भी गाड़ी में देख के ऐसा नहीं लगता यार कि हाँ कहीं कॉस्ट कटिंग की गई है या फिर ऐसा कुछ है। इस रेंज के अकॉर्डिंग ये काफ़ी सारी गाड़ियों को, जैसे दो तीन गाड़ियों को कॉम्पीट करेगी डायरेक्टली, लाइक मारुति सुजुकी वैगनार और सिलेरियो, उन दोनों तीनों को तो कॉम्पीट करेगी। तो बाकी देखते हैं और कौन सी गाड़ी इसके कॉम्पिटिशन में है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे पीछे दिए गए सीट के बकल, तो आप यहाँ पे सीट इनकेस अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे आराम से इसको सेट कर सकते हो जिससे ये इधर उधर नहीं भागेगा। इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में भैया क्या यूज़ किया गया है बताओगे आप थोड़ा? हाँ, जो इसके बिल्ड क्वालिटी है, हाँ, आप जैसे बेसिकली मारुति की गाड़ी अपन देखते हैं तो उनके जो स्ट्रक्चर बनाया होता है हैवी स्ट्रक्चर, वो सिंगल रॉड से बनाया होता है। ओके, जो हमारी हुंडई की रॉड्स होती हैं वो हमेशा तीन भागों में बटती है। अच्छा, ओके, एक अपनी बीच स्ट्रक्चर हैवी स्ट्रक्चर के लिए, प्लस डोरों के लिए अपनी जितनी जोर से आप बन करना चाहें जितनी भी जोर से आपको बॉडी जैसे लगेगी। 50 kg इस गाड़ी का वेट है और काफ़ी अच्छा वेट है। तो अभी इसके ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस भैया बता रहे हैं 170 कितना है, 170 170 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है।
तो ये देख सकते हो आप, और नीचे से भी देख लो कुछ। तो अभी अपन बात करते हैं बूट स्पेस की। बूट स्पेस को आप यहाँ से भी, हैंडल बार से भी खोल सकते हो, और इन केस अगर आप चाहो कभी बाहर हो तो आप डायरेक्ट चाबी से भी आप इसको खोल सकते हो। तो अभी तो मैंने ऑलरेडी खोल लिया है इसको, तो अपन दिखाते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस इसका है 240 लीटर्स का, तो काफ़ी थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा कम है। बाकी अंदर जो स्पेस देने की वजह से शायद थोड़ा बूट स्पेस कम हो गया ऐसा लोग सोचते होंगे, और यहीं पे आपको स्टेप नहीं मिल जाएगी। तो इन केस अगर आपको, सीधी सी बात है ना, अगर आपको आगे स्पेस मिल रहा है तो एक ही जगह मिल सकता है ना स्पेस। बाकी जो एक कलर है गाड़ी का काफ़ी डोप लग रहा है मेरे को तो। और ये जो चीज़ है, आप इससे सीट आगे भी कर सकते हो, पूरी सीट फोल्डेबल है, पूरी सीट फोल्डेबल है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी ट्रे, तो ये ट्रे यहाँ पे लगी जाती है, आप हटाना चाहो हटा सकते हो। इन केस अगर आपको और भी कुछ सामान रखने तो आप कुछ सीट को फोल्ड कर सकते हो और यहाँ पे अपना सामान आराम से शिफ्ट कर सकते हो, लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो अगर आप दो बंदे हो तो। अगर आप माउंटेन्स में भी कभी राइड कर रहे हो तो दूर से काफ़ी ब्राइट है, तो आपको दिखेगा कि हाँ आगे कोई गाड़ी चल रही है। अगर ये तो आप देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि गाड़ी का कलर कैसा लगा और गाड़ी कैसी लगी। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी इस रेंज में, बिकॉज ये पेट्रोल मॉडल है, और पेट्रोल के अलावा शायद CNG भी आया है इसमें। तो CNG का जो गाड़ी का जो मॉडल होगा, किस गाड़ी में आ रहा है वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। तो अंदर, तो अभी जो इस गाड़ी का एवरेज बताया भैया ने, 19 के समथिंग मिलेगा आपको पेट्रोल में। और रही बात इसकी पेट्रोल के फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसका फ्यूल टैंक कितना है भैया? सर 35 लीटर जो इसका टैंक कैपेसिटी है। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहोगे अपने हिसाब से? इसकी जो BHP है, हाँ, तो पहले से बेटर है, क्योंकि पहले अपनी 63 BHP आती थी, okay. 69 कर दी है, तो इससे कस्टमर्स को पावर भी मिल सके। प्लस 4 सिलेंडर्स है, वो इसके अकॉर्डिंग इसलिए बनाए गए हैं कि गाड़ी एकदम से आप पिकअप में नहीं ले सकते, ऑटोमेटिकली okay. आपको स्मूथनेस के साथ में ही गाड़ी को उठाना पड़ेगा। ये चीज़ तो अभी चलते हैं छोटी सी टेस्ट राइड पे भैया के साथ, छोटा सा एक डेढ़ किलो स्टार्ट कर। तो अभी मैं चला रहा हूँ ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे ब्रेक दबाना पड़ेगा। अब मैंने दबा दिया, ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कि बाहर की गाड़ी स्टार्ट। तो अभी मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ गाड़ी को, हालांकि ऑटोमेटिक है, इतना RPM ऊपर जा नहीं रहा होगा। तो अभी चलते हैं, अभी मुझे आगे लेना है, डी पे लेना है, ओके। अभी तो मुझे अगर ऑटोमेटिक अगर मुझे ड्राइव करना है तो पहले मुझे ड्राइविंग मोड पे लेना पड़ेगा। तो फिर मैं अगर इन केस अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपको ब्रेक दबा के करना सेट करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ आगे शिफ्ट नहीं होगी, राइट? तो अपन चल जाएगी, बट आपका गियर लगेगा नहीं, गियर नहीं लगेगा। तो अभी चलते हैं, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट, ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो आप, मैं चल रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्लच दबाया हुआ है, बढ़िया रेस दे रहा हूँ हल्की हल्की। वाह, आरामदायक गाड़ी है एकदम, पर आराम से चलाओ बस। ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो अपने आप ही सब चीज़ शिफ्ट हो रही है। गियर वेयर तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इन केस अगर आपको करना है तो आप मैनुअल कर सकते हो, राइट? यस सर, मैनुअल करने के लिए आपको सिर्फ एक बार ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा, और आपको जो लीवर है, हाँ, वो आपकी तरफ नोप करना पड़ेगा, ओके, मतलब शिफ्टिंग करना पड़ेगा आपकी तरफ। इसमें क्या होगा, 1, 2, 3 गियर आप लगा सकते हो और निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, तो काफ़ी स्मूथ है, और पेट्रोल वर्जन में तो आई गेस काफ़ी अच्छी जाने वाली है गाड़ी है। हुंडई ने काफ़ी अच्छी कार निकाली है, एक मार्केट में वापस एंट्री मारी है अपनी, एक छोटे लॉन्च करके और छोटी गाड़ी लॉन्च करके, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी मैं एक बार यू टर्न ले लेता हूँ। डोर लॉक करता हूं तो सारे डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। सी देखो, पीछे वाला भी दिखा दो, स्पीड सेंसिंग एंड इंपैक्ट सेंसिंग डोर। तो अभी मैंने सीट कर रखी है फुल, तो आप देख सकते हो अभी आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन, तो आप चलते चलते भी इसको मैनुअल ट्रांसमिशन, अब जैसे मैंने कर दिया तो वहां पे दो आ गया, सिर्फ दो सेकंड गियर में ओनली फॉर। ये देखिए, अब जैसे आप स्पीड रेस देंगे, हां, थर्ड और स्पीड देंगे, हां, फोर और ये गियर शिफ्टिंग आप निकाल भी सकते हैं। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको जो इसके जो फीचर्स हैं, जो मोड अगर आप कैसे चेंज कर सकते हो चलती गाड़ी के अंदर ही, आप मैनुअल बना सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो, तो भैया आपको अभी बताएंगे इसके बारे में। तो भैया बताओगे थोड़ा सा कैसे क्या करना है? तो अभी गाड़ी नॉर्मल है, अभी सिर्फ खड़ी है, हैंड ब्रेक मैंने लगा दिया है,
और अब खड़ी है अभी ड्राइविंग मोड पे, डी मोड पे है और ये न्यूट्रल मोड पे है और ये वाला रिवर्स मोड पे, राइट, और ये वाला मैनुअल पे प्लस माइनस। ठीक है, अब मुझे समझाएंगे आप। जैसे अपन ड्राइव कर रहे हैं, कभी बार लोग बोलते हैं कि हमें मैनुअल ट्रांसमिशन की आदत पड़ जाती है, ओके, तो उनके लिए एक सुविधा दे रखी है यहाँ पे कि आपके फायदा है कि आप गियर शिफ्टिंग आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ओके। वहाँ पे जैसे आप इसको डी रखेंगे तो ड्राइविंग पे आपका D1 आएगा। D1 का मतलब क्या? ड्राइविंग मोड। ड्राइविंग मोड, ड्राइविंग मोड में ऑटोमेटिकली डी लगाएगा गियर, ओके, डी लगाएगी ऑटोमेटिक कार से लगेंगे अपने आप सारे गियर जो लगेंगे। ठीक है, अगर आप इसको एम पे लेके जाते हैं तो मैनुअल पे आ जाएगी, आपकी मैनुअल आ जाएगी, सिर्फ वन लिखा हुआ आ जाएगा, वन लिखा हुआ। जैसे आप एक्सीलरेटर देंगे ऑटोमेटिकली आपकी गियर शिफ्टिंग आप प्लस करके यूज कर सकते हैं, प्लस करके, ओके। तो मुझे ऐसे प्लस करके करके फिर मेरा लाइक जैसे आप एक्सीलरेटर देंगे, हाँ, तो मैंने दिया, ये थर्ड पे आ गया, ओके, ये फोर्थ, फिफ्थ पे थोड़ी ना आती है, आ जाएगी। तो अभी देखते हैं, भैया ने फिफ्थ भी लगा दिया है, ड्राइव कर लिया, हाँ, ये फिफ्थ पे भी आ गई है। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, आप प्लस माइनस करके ही आप आराम से नीचे आ सकते हो, ऊपर जा सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके पास वापस भी आ सकते हो। और ये अगर माइनस हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, ये देखिए दो आ चुके हैं, वाह यार। आप निकाल भी सकते हो और निकल भी सकते हैं अपने आप, आपको सिर्फ गियर लगाने की, मुझे गियर डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ मुझे लगाने, देखो लगाने ही पड़ेंगे। और इन केस अगर आपको डाउन जाना है तो आपकी गाड़ी अपने आप ही गियर शिफ्ट कर रही है, सिर्फ मुझे जब चलाना है, स्पीड बढ़ानी है, तब मुझे सिर्फ गियर लगाने हैं। जैसे देखो आप फिफ्थ पे आने वाली है, अब ये भैया ने लगाया इधर से, थोड़ी थोड़ी सी अगर स्पीड बढ़ती है ना, तभी अपने आप गियर प्लस कर सकते हो और ऑटोमेटिक ये माइनस, हाँ, ऑटोमेटिक से आपको एक फील सा होगा कि हाँ शिफ्ट हुआ है गियर कुछ। तो हम सब टू PL रामबाग, और अभी चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर बात करते हैं इसके मॉडल्स के बारे में और प्राइस के बारे में। ऑटोमेटिकली जाएगा, बट इसमें पीछे सेंसर नहीं है, कैमरा नहीं है और सेंसर नहीं है, वो सिर्फ टॉप एंड मॉडल पे है, राइट। तो अब बात करते हैं अपन प्राइस की, और जो CNG वाले वेरिएंट था और पेट्रोल वाला वेरिएंट था, तो अब वो उस बारे में बात करते हैं। तो CNG वाला किस में आ रहा है और पेट्रोल वाला किस में आ रहा है, तो बताएंगे आप। सबसे पहले बात करते हैं अपन पेट्रोल मॉडल्स की। पेट्रोल मॉडल में अपने 5 मॉडल्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल है डीलाइट की बात करते हैं। डीलाइट मॉडल्स के अंदर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के अंदर आते हैं AC हीटर, पावर स्टेयरिंग दे रखी है, ओके, प्लस इसके बम्पर्स जो है ब्लैक कलर के हैं आगे पीछे से। दिस इज द बेस मॉडल, राइट, जिसमें भी बताई जाती है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अपन 4,55,900 समथिंग की है, ओके। तो अभी ये जो सारी चीजें बताई है पेट्रोल के बेस वेरिएंट्स थे, बेस मॉडल थे, अब बताएंगे आपको इस CNG के बारे में, जिसके अंदर जो मॉडल होगा उसके बारे में। तो CNG आई गेस मेगना के अंदर आता है, राइट, मेगना एनएच स्पोर्ट्स में आता है, मेगना एनएच स्पोर्ट्स में। आपको दो चीज़ों का ऑप्शन हो जाएगा कि आपका एवरेज भी डबल हो जाएगा और आपकी CNG की गाड़ी भी हो जाएगी। तो जो टॉप मॉडल है एस्टा का, वो है 6,30,000 रुपीज़ का ऑन रोड प्राइस है, जो जयपुर के अंदर है। और कलर्स आप कोई सा भी ले सकते हो, आपको बेसिक सारी चीज़ें मिलेगी, टूल किट एंड ऑल। और डिलीवरी कितने दिन में हो जाएगी भैया? डिलीवरी मैक्सिमम दिन में हो जाती है 15 से 20 दिन, 15 to 20 days दे विल टेक टू डिलीवर। और अभी बुकिंग चल रही है, शायद अभी काफ़ी लोग क्रेजी हो रहे हैं हुंडई के लिए, क्योंकि जो हुंडई ने काफ़ी ट्रस्ट दिखाया है लोगों कस्टमर्स के साथ, वो काफ़ी अच्छा है और अब काफ़ी ब्रांड बन गया है। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है हुंडई सेंट्रो इस बार। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी काफ़ी सारी। अगर आपको समझ में आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और भैया से आके ज़रूर मिलना, विशाल शर्मा नाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राइट सेफ। ये वाला ग्रीन है जो हम बात कर रहे थे, ग्रीन